नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए विज्ञान विषय के अंदर बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। आज के हमारे प्रश्नों की संख्या जो है वो 75 है और ये विगत 6 वर्षों से पूछे गए प्रश्न CTET और UPTET एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और अन्य TTET में भी इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है ये विज्ञान विषय के अंदर एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं दैनिक उपयोगी पदार्थ। जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो हैं बहुत प्रश्न टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको यहाँ शुरुआत में कुछ नए प्रश्न मिलेंगे और उसके बाद इसमें विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, निम्न में से किसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट दिया पक्के फलों में, सेकेंड है सीरा में, थर्ड है खट्टे फलों में और फोर्थ दिया है यहाँ पर दूध में। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर दिया है ये इसमें विकल्प के अंदर जो हमारा दूसरा विकल्प है ये सीरा ना होकर के ये शोरा था, पर ये लिखने में कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। शोरा जो होता है जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं उसके अंदर नाइट्रिक अम्ल रहता है, तो इसके अंदर इसका जो सही उत्तर था वो यहाँ पर शोरा था, परंतु ये कुछ इसके अंदर मिसप्रिंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो है, अनेक अम्ल हमारे खाने के पदार्थों में विद्यमान रहते हैं और इन पदार्थों के रूप में हम बहुत से अम्लों को खाने में काम में लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा अम्ल व खाद्य पदार्थ का मेल सही है, मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में हम खाने में इसको उपयोग में लेते हैं। तो ये हमारा जो है ऑप्शन थर्ड जो है सिरका, जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, ये हम इसमें उपयोग में खाने में लेते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। अब यहाँ पर हमें कथन सही चयन करना है कि एसिटिक अम्ल जो दुर्बल अम्ल होता है, HCl एक प्रबल अम्ल होता है और H2CO3 एक दुर्बल अम्ल होता है और फोर्थ यहाँ पर है उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो ये सभी कथन जो हैं ये सही हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला यौगिक है। तो यहाँ पर सूचक के रूप में प्रयोग में खिलाने वाला यौगिक जो होता है वो होता है फेनाफ्थलीन। तो फेनाफ्थलीन जो होता है ये एक सूचक माना जाता है जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। चलिए अगला है, जल योजित कॉपर सल्फेट का सही सूत्र है। अब देखिए जल योजित का मतलब जिसमें अंदर जल के अणु जुड़े होते हैं, तो इसका सही सूत्र जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन थर्ड CuSO4 और 5H2O, ये इसका सही सूत्र है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ इमली नींबू आदि नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा, सीधे उत्तर की ओर टिक करते हैं, तांबे के पात्र में खट्टे पदार्थ जो होते हैं अम्लीय होते हैं और अम्लीय होने के कारण ये तांबे के पदार्थ का संक्षारण कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये हमारा इसमें सही उत्तर है कि तांबे से अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं। चलिए अच्छा है, अगला है, निम्न में से साधारण लवण है। तो साधारण लवण यहाँ रहेगा सोडियम सल्फेट जो रहेगा ये एक साधारण लवण है। चलिए अगला है, अम्ल वर्षा से संबंधित असत्य कथन है। अब यहाँ पर कथन देखना हमें, असत्य कथन यहाँ पर चुनना है। तो असत्य कथन, अम्लीय वर्षा से मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। अम्लीय वर्षा से जीवों की भूख बढ़ जाती है या भूख अधिक हो जाती है, तो यही कथन यहाँ पर गलत दिया है क्योंकि अम्लीय वर्षा से भूख का कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो है ये असत्य दिया है, तो इसलिए इसे हमें चुनना है। चलिए अगला है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, इनमें से कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो इसमें कार्बनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सभी है। तो इसमें इसका सही उत्तर जो रहेगा ये सभी रहेंगे क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 जो होता है ये जल के साथ में जब मिलता है तो SO3 मिल करके जल के साथ में H2SO4 बना देती है और H2SO4 एक अम्ल होता है। इसी प्रकार से CO2 होती है, CO2 H2 के साथ में मिलकर के ये H2CO3 कार्बनिक अम्ल बना देती है। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, N2 जो होता है वो भी इसमें मिल करके। तो ये सभी जो होते हैं ये अम्लीय वर्षा के अंतर्गत मौजूद होते हैं और इसमें
सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो सकती है। मुख्य रूप से इसको माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, परंतु ये भी इसमें होते हैं। चलिए अगला है, अमाशय में भोजन के पाचन के समय उत्पन्न होता है, तो कौन उत्पन्न होता है? तो हमने देखा HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसमें उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखते हैं, शुगर चीनी उद्योग में प्रयुक्त पदार्थ है, तो शुगर या चीनी उद्योग में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन सेकेंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये एक प्रति अम्ल के रूप में भी उपयोग में आता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जिसे हम HCl से लिखते हैं, और इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है ये लिखते हैं। अब इसकी जब हमारे बीच में इसके NaCl और इनके बीच में क्रिया होती है, तो इसमें HNa और Cl जो है मिलकर के NaCl बना देंगे, और OH और H मिलकर के H2O। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaCl प्लस H2O, मतलब कि इसमें लवण और जल बनते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी बनता है। तो यहाँ पानी नहीं दिया है, तो हमें इसमें देखना है सिर्फ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, किस पदार्थ के द्वारा फार्मिक अम्ल से उत्पन्न त्वचा जलन को शांत किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा ये हमारा रहेगा ऑप्शन सेकंड जो रहेगा NaHCO3। NaHCO3 जो होता है इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है NaHCO3, और इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा फार्मिक अम्ल से उत्पन्न जलन को शांत किया जा सकता है। चलिए अगला है, साबुन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के मुख्य घटक हैं, तो साबुन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जो होती है वो होती है हमारी NaOH वसा और NaOH जो उच्च वसाएँ होती हैं, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा। अगला है, निम्न में से किस विलयन की pH को pH पत्र के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष रूप से किसको ज्ञात नहीं किया जा सकता ये हमें इसके अंदर देखना है। तो हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते सोडियम बाइकार्बोनेट को, क्योंकि यहाँ पर नींबू का रस, तनु HCl और अपमार्जक का विलयन तीनों ही लिक्विड रूप में है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये लिक्विड रूप में नहीं होता है। तो इसलिए हम इसमें इसकी यहाँ पर ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं, pH जो है वो पता इससे नहीं कर सकते। चलिए अगला है, साबुन के संदर्भ में असत्य कथन है, तो साबुन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा रहेगा? तो यहाँ सीधे उत्तर को टिक कर देते हैं, साबुन कठोर और मृदु जल में समान रूप से गंदगी दूर करता है, ये कथन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि साबुन जो होता है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सुमित के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है, किसी ग्राहक को क्षारी पेय देने के लिए बोतल की पहचान कैसे करेगा? तो ये पहचान वो कर सकता है, उसको क्षारी पेय देना है तो क्षारी पेय देने के लिए वो लाल लिटमस का प्रयोग करके पहचान करेगा, क्योंकि जो क्षारी होता है लाल लिटमस को वो पहचान करके उससे भी दे सकता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मसालेदार या गर्म भोजन करने से अम्लता शिकायत उत्पन्न हो जाती है, और इसके निवारण के लिए किस क्षार का उपयोग जो है वो उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उपयोग किया जाता है ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा ये इसमें उपयोग में लाया जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से ताप सुमन्य बहुलक हैं, तो यहाँ पर ताप सुमन्य बहुलक रहेंगे ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा पॉलीथीन जो रहेगा ये इसमें ताप सुनम्य बहुलक के रूप में माना जाएगा। अब थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ताप सुनम्य जो बहुलक होते हैं ये किस प्रकार के बहुलक होते हैं। तो देखिए ताप सुनम्य बहुलक जो होते हैं ये कुछ इस प्रकार के बहुलक होते हैं कि गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था को ये ग्रहण कर लेते हैं, अतः इन्हें पिघला करके हम विभिन्न सांचों में डालकर मनपसंद आकृति में इनको ढाला जा सकता है, और इसके अंदर पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है आदि इसके अंदर आते हैं। एक बहुलक जो होते हैं वो ताप दृढ़ होते हैं, मतलब उनको एक बार ही गर्म किया जाता है, उसके बाद वो ठंडा होने पर
फिर जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे, फिर उन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे बहुलक को हम ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग बहुलक कहते हैं, और ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। चलिए अगला है, अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए प्रयुक्त यौगिक है। तो अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए प्रयुक्त यौगिक कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर प्रयुक्त यौगिक जो रहेगा ये रहेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर अम्लीयता हो जाती है तो हम इसमें क्षार का प्रयोग कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अगला है, साबुन है। अब साबुन क्या होते हैं? तो साबुन होते हैं उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला है, साबुन निर्माण में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले यौगिक हैं। तो साबुन निर्माण में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ग्लिसरॉल। अगला है, अपमार्जक रासायनिक रूप से मिलकर बने होते हैं। तो अपमार्जक मुख्य रूप से मिलकर बने होते हैं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से। अगला है, निम्न में से कौन सा पूर्ण फ्लोरीनीकृत बहुलक है? तो पूर्ण रूप से फ्लोरीनीकृत बहुलक होता है ऑप्शन सेकेंड टेफ्लॉन जो होता है ये इसमें आता है। अगला है, निम्न में से संश्लेषित बहुलक हैं। संश्लेषित बहुलक जो रहेगा वो रहेगा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। भेड़ के शरीर से त्वचा की पतली परत के साथ में फ्लीस का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन थर्ड सीयरिंग कहलाता है। रामू एक किसान है जिसके खेत की मिट्टी काली है और गर्म मौसम है। मौसम गर्म है, वह अपने खेत में किस प्रकार के रेशे प्रदान करने वाले पौधों को उगा सकता है? तो देखिए, काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, और मौसम भी गर्म है तो वो वहाँ पर कपास को उगा सकता है, तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला है, पौधे के किस कौन से भाग से जूट प्राप्त होती है? तो पौधे के तने के भाग से जूट प्राप्त होती है। कपास किसका बहुलक है? तो कपास बहुलक होता है ऑप्शन थर्ड जो होता है ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। चलिए अगला है, रेयन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है। तो रेयन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है ऑप्शन सेकेंड सेल्यूलोज जो होता है ये होता है। प्रेशर कुकर गैस्केट आदि के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक होता है। तो प्रेशर कुकर गैस्केट कुकर आदि में प्रयुक्त प्लास्टिक जो होता है ये होता है ऑप्शन सेकेंड टेफ्लॉन। चलिए अगला है, ताप दृढ़ बहुलक प्रथम बार द्रवित होकर के इक्षित आकृति आकार में ढाले जा सकते हैं और एक बार ठोस होने के बाद ये ठोस ही रहते हैं। ताप दृढ़ बहुलकों में से एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो अनुत्क्रमणीय होती है। तो कौन में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है वो दिया है ऑप्शन फर्स्ट में दिया है पीवीसी, सेकेंड दिया है यहाँ पर वल्कनीकृत रबर, थर्ड दिया है पॉलीस्टीन, फोर्थ दिया है पॉली एथिलीन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकेंड वल्कनीकृत रबर जो रहेगा इसे हम कहेंगे। चलिए अब हमारे जो प्रश्न हैं विगत 6 वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं ये प्रश्न अब हमारे आ चुके हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड रहेगा SnO2 जो होता है ऑप्शन फर्स्ट, ये यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड रहेगा। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकता है और दोनों से क्रिया करके वो जल और लवण बनाता है। चलिए आगे है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो स्याही का दाग मिटाने के लिए अम्ल प्रयोग में लाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, सोडियम सल्फेट व बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो वो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो उस स्थिति में यहाँ पर अवक्षेप के रूप में ये प्राप्त होता है वो होता है सफ़ेद जो रहेगा ये अवक्षेप इसमें प्राप्त होगा ऑप्शन सेकेंड जो रहेगा ये सही उत्तर है। चलिए, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है जिस दवाई में मुख्य घटक होता है। देखिए, अति अम्लता जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं ये अधिक अम्लता होने के कारण से पेट के अंदर हो जाती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से कौन सी दवाई दी जाती है? तो देखिए, इसके अंदर क्षार के रूप में जो होते हैं वो दवाई इसमें दी जाती है। अब क्षार के रूप में यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट के अंदर इसका सही उत्तर था, परंतु फिर यहाँ पर ये
मिसप्रिंट छपा हुआ है यहाँ पर, जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH ट्वाइस, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, पर ये इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये इसमें एसिडिटी के दवाई के अंदर संघटक के रूप में हो सकता है और अन्य प्रकार के क्षार भी इसमें मिला सकते हैं। चलिए अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि, अब सल्फ्यूरिक अम्ल को, क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, क्योंकि हम अम्ल के अंदर पानी मिलाएंगे तो उसमें ऊष्मा निकलेगी, अम्ल छलक सकता है और हाथों पैर पर गिर सकता है जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो अम्ल को हमें तनु बनाना है तो हमें पानी में अम्ल को मिलाना है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्त्राव रुक जाता है क्योंकि, फिटकरी जो होती है ये रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है, विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बैकलाइट जो होता है ये एक थर्मोप्लास्टिक है, देखिए ऊष्मा का कुचालक सुचालक बताया यहाँ पर, सुचालक है तो सुचालक नहीं होता, कुचालक विद्युत का सुचालक है, गलत है, विद्युत का कुचालक है तो कुचालक है, पर साथ साथ ये थर्मोप्लास्टिक भी है तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर ये गुण आ जाएगा कुचालकता का, तो इसलिए यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगशाला में आमले से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलिन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो कौन सा उपचार करना चाहिए? देखिए यहाँ पर जो जलन है वो हो रही है अम्ल के कारण, तो इसलिए वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से पुनः पानी से धोना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा, क्योंकि वो क्षारी रहेगा और अम्ल जो होता है अम्ल को क्षार उदासीन कर देता है, तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा सही उत्तर है। अपमार्जक जटिल लवण है, तो अपमार्जक जटिल लवण है ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम का, सेकेंड है कैल्शियम का, थर्ड है कार्बन का, फोर्थ है मैग्नीशियम का, तो अपमार्जक जो होते हैं ये हमारे लवण होते हैं सोडियम के, ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये यहाँ पर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है, तो सौर सेल बनाने में किसका उपयोग नहीं होगा, नहीं हो सकता, प्लैटिनम का उपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि ये अर्धचालक नहीं है। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, तो फोम के गद्दे और तकिए जो होते हैं ये बने होते हैं पॉलीयूरेथ्रीन के, ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत तारों के रोधन में क्या प्रयुक्त होता है, तो विद्युत रोधन के तारों में प्रयुक्त होता है नियोप्रेन जो होता है, ऑप्शन थर्ड ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला है, निम्न लवणों में से किसमें क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं होता है, तो जिसमें नहीं होता है उसे लिखना है, खाने का सोडा जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल जिसे हम बोलते हैं HCOOH मिथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल जिसे कहा जाता है, ये इसके अंदर उपस्थित होता है। चलिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, चूने के पानी के दूधिया होने का कारण रिक्त स्थान रहेगा, तो यहाँ पर चूने का पानी का दूधिया होने के कारण रहेगा विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति जो होती है ये इसके अंदर मौजूद होती है, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशों में से कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा रेयॉन ये एक कृत्रिम रेशम कहलाता है, मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। चलिए अगला हमारा है, निम्न यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा सा चेंज दिया है, छोटा करते हैं इसको, देखिए विलयनों के अम्लीय क्षारीय उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है, निम्न अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है, तो यहाँ पर एक विद्यार्थी ने सारणी बनाई है कि NaCl जो है लाल लिटमस पर रंग में परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं दर्शा रहा है, नीले लिटमस पर रंग में परिवर्तन दर्शा रहा लाल,
तो ये अमली है, छारी है, विद्यार्थी ने ऐसी यहाँ पर सारणी बनाई है। उसने चार बार चार परीक्षण किए हैं और चारों परीक्षणों का लिटमस पत्र पर उसने टेस्ट किया है, तो उसने अम्लीयता क्षारीयता को दर्शाया। अब देखिए यहाँ पर हम अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने के लिए छोटा सा सूत्र यूज़ करते हैं। सूत्र हमारा है ABR। ए मीन्स यहाँ पर एसिड है, ब्लू और रेड। अम्ल जो होता है, अम्ल ब्लू मीन्स नीला और आगे है रेड, आर से रेड। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। अब इधर यहाँ लिख रहे हैं क्षार के बारे में, बेस रेड ब्लू, क्षार लाल को नीला करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए यहाँ पर NaCl है, तो उसने यहाँ बताया कि नीले लिटमस पत्र पर रंग परिवर्तन हो रहा है, तो नीले को लाल कर रहा है, मतलब कि ये अम्लीयता की स्थिति को दर्शा रहा है और क्षार लाल पर कोई परिवर्तन नहीं है। इसी के साथ साथ उसने दूसरे पर दिखाया है कि चूने का पानी है, नीला हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन है। थर्ड है सिर का, कोई परिवर्तन नहीं। और डी है कपड़े धोने का सोडा, नीला। तो यहाँ पर कौन सा सही रूप में सारणीकृत है, ये हमें इसके अंदर देखना है। तो यहाँ पर सही जो रहेगा सारणीकृत रूप में वो उत्तर है हमारा, यहाँ नीचे दे रखा है ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन डी, कपड़े धोने का सोडा। क्योंकि ये तो जो है NaCl है, नमक है। अब यदि उसका वो विलयन नहीं बनाता है तो यहाँ पर कोई उसको लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, परंतु यदि वो कपड़े धोने का सोडा जो है वो नीला, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है और क्षार पर, नीले पर कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा है, तो उसका स्वभाव जो रहेगा वो क्षारिकी रहेगा। तो ऑप्शन डी जो रहेगा ये यहाँ पर सही है। चलिए अगला है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट, बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट का सूप रिक्त स्थान का सुपरिचित प्रकार है, तो पैट यहाँ किसका सुपरिचित प्रकार है, तो ये उत्तर रहेगा ऑप्शन थर्ड, पॉलिएस्टर का रहेगा। चलिए अगला है, विद्यार्थी ABCD ने सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा रगड़ा तो उन्होंने अवलोकन किए। अब उन्होंने क्या अवलोकन किए, तो देखिए यहाँ पर ठोस बेकिंग सोडा रगड़ेंगे तो लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकेंड डी, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, सूखे पर और लाल पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, तो वर्षा में उपस्थित होता है ऑप्शन फर्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये उपस्थित होता है। चलिए अगला देखते हैं, साबुन होते हैं तो साबुन क्या होते हैं, तो साबुन होते हैं उच्च वसा, उच्च श्रेणी के वसा अम्लों के अल्कली धातुओं के लवण। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये सही रहेगा। निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पर प्रबल अम्ल रहेगा नाइट्रिक अम्ल जो रहेगा HNO3, ये एक प्रबल अम्ल रहेगा। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जली विलयन नीले लिटमस के रंग को लाल कर देगा, तो नीले लिटमस को लाल करना है, मतलब कि ABR जो फार्मूला रहेगा हमारा, एसिड अम्ल ब्लू मतलब नीला और इसको करना है लाल, ABR। तो यहाँ पर कौन सा किसका जली विलयन, तो यहाँ पर क्षारी जो रहेगा उसका जली विलयन जो रहेगा अम्ल का, सॉरी कौन से का अम्ल का, यहाँ पर नीले को लाल कर देगा, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा सल्फर डाई ऑक्साइड का। अब सल्फर डाई ऑक्साइड का क्यों, क्योंकि SO2 जो होता है जैसे इसको जल में मिलाएंगे H2O में, तो ये बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्ल जो होता है वो नीले को लाल में बदल देता है। अगला है, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है, तो यहाँ पर गैस प्राप्त होगी ऑप्शन सेकेंड, SO2 गैस जो होती है ये इसमें प्राप्त होती है। एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो वो धातु लवण होगा, तो वो धातु लवण होगा
धातु कार्बोनेट, ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए, किसी छात्र के पास में हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में अलग अलग डालने पर वो किन रंगों का प्रेक्षण करेगा। तो वो प्रेक्षण कौन कौन से रंगों का करेगा ये अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला रंग का प्रेक्षण वो करेगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। देखिए, लाल को नीला कर देता है तो मतलब वो क्षारीय होगा, और क्षारीय का मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर उसका मान होगा ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा वो 10 ये रहेगा। निम्न में से दुर्बलतम लुईस क्षारक हैं, तो दुर्बलतम लुईस क्षारक हैं ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये यहाँ पर दुर्बलतम लुईस क्षारक रहेगा क्लोराइड आयन। थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक उदाहरण हैं क्रमशः, तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक उदाहरण हैं किसके, बैकलाइट और पॉलीस्टेरीन के, ऑप्शन सेकेंड रहेगा ये सही उत्तर है। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, ये प्रेक्षण करेगा कि, अब ये क्या प्रेक्षण करेगा। तो ये छात्र जो है जैसे प्रेक्षण करता है तो ये प्रेक्षण करेगा कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, क्योंकि छात्र ने विलयन किसका लिया है, क्षार का लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है और क्षार क्या करता है तो नीले को क्षार लाल कर देता है। तो क्षार जो रहेगा हमारा BRB, बेस रेड ब्लू, तो क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है यहाँ पर, तो लाल जो रहेगा वो नीला हो जाएगा और नीला लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चलिए अगला है, आपके पास 3 परख नलियाँ ABC हैं और ABC जो हैं इनमें फेनाफ्थलिन विलयन है। परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आसूत जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का प्रेक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि इन परख नलियों में विलयनों में के रंग इस प्रकार हैं। अब इनके रंग किस प्रकार से रहेंगे, तो इनके जो रंग रहेंगे वो हमारे रहेंगे ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है ये दिया है ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर भी रहेगा वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि फेनाफ्थलिन जो होता है ये तनु HCl के साथ में मिलकर के रंगहीन बनेगा, तो ऑप्शन ए जो रहेगा ये रंगहीन फर्स्ट में। बी जो होता है फेनाफ्थलिन NaOH के साथ में गुलाबी रंग देगा, तो बी में गुलाबी रंग आ रहा है, और सी जो है फेनाफ्थलिन आसूत जल के साथ में फिर मिलकर के रंगहीन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वही इसका उत्तर है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल नींबू में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में, तो ये पाया जाता है कच्चे आम और अंगूर में, ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं, तो प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण कौन से होते हैं, तो प्लास्टिक टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील होते हैं, ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये हमारा सही उत्तर है। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार रहेगा, तो नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार ऑप्शन फोर्थ उदासीन रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है। आपके पास 2 परख नलियाँ AB, परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा जबकि परख नली बी में फेनाफ्थलिन जैसा जली विलयन भरा है, और इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ किस प्रकार के प्रतीत होंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा ये हमारा रहेगा ऑप्शन सेकंड। ए में ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा, तो बी यहाँ पर रंगहीन रहेगा। चलिए अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न कई बार आ चुका है।
चींटी के अंग डंक में अम्ल होता है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन फोर्थ रहेगा सही उत्तर। प्राकृतिक रेशे होते हैं कपास ऊन सिल्क ये सभी, तो यहाँ पर ये सभी ही प्राकृतिक रेशे माने जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही उत्तर है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है तथा प्रोटीन और वसा भी पाए जाते हैं। डीएनए प्रोटीन एवं प्रोटीन में क्या समानता होती है? तो डीएनए प्रोटीन एवं वसा या डीएनए प्रोटीन एवं प्रोटीन में समानता क्या होगी? तो इनमें समानता होती है कि इन सभी में अम्ल होता है। अब इनमें कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए जो हमारा डीएनए होता है इसके अंदर होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है इसके अंदर होता है एमिनो अम्ल। तो इस प्रकार से दोनों में समानता अम्ल की है। असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य कथन रहेंगे, फर्स्ट है अम्ल स्वाद में खट्टे जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पदार्थ के विलयन में जो अम्ल क्षार उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं, और एक अम्ल एक एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और ये लवण हमेशा उदासीन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है वो असत्य रूप में क्यों दिया है? क्योंकि इसमें यहाँ से ये जो लाइन दे रखी है ये इसमें ठीक नहीं दे रखी है, बाकी तो इसमें सब ठीक है कि अम्ल जो होता है और क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं, परंतु यह लवण हमेशा उदासीन होता है ऐसा जरूरी इसमें नहीं होता है। चलिए आगे है, तो यहाँ इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। माना आप एक किसान हैं और आप एक काली मिट्टी वाले स्थान पर रहते हैं। आपके क्षेत्र का वातावरण गर्म है और आप अपने खेत में फाइबर लब्धि वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप किसे मुख्यतः चुनेंगे? तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से चुनेंगे कपास को, क्योंकि खेत में है काली मिट्टी और काली मिट्टी के स्थान पर वातावरण भी गर्म है और हमें फाइबर ऐसे वाले पौधे उगाना है, तो हम चुनेंगे कपास को, क्योंकि कपास काली मिट्टी के लिए सर्वोत्तम खेती मानी जाती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो अब हमें यहाँ पर सत्य कथन छांटना है। बैकलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। सेकेंड है मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बैकलाइट थर्मोस्टेटिक है, और थर्ड है बैकलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा ये हमारा रहेगा बैकलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चलिए अगला है, आपके पास फिर तीन परखनलियाँ एक्स वाई जेड है जो विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी है। एक्स के अंदर सोडियम क्लोराइड है और वाई के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और जेड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से इन तीनों में प्रत्येक फनावतल इनके फिर एक एक बूंद डालते हैं, तो इनमें परख नलियों में जो रंग प्रेक्षित होंगे वो कौन से होंगे? तो देखिए यहाँ इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फोर्थ। एक्स जो है वो रंगहीन रहेगी और वाई फीका तहरा और गुलाबी, जेड जो है वो गुलाबी रंग प्रदर्शित करेगा, क्योंकि एनएससीएल विलयन डालने पर फनावतलिन जो होता है वो विलयन रंगहीन ही रहेगा, और एनएओएच विलयन में रंग में फीका रंग देता है और एस सी एल विलियन में गुलाबी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों जो रहेंगे इनके रंग रहेंगे। चलिए अगला है, यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 75 दी रखी है ये प्रक्षेप पर आधारित प्रश्न है। कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपने कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन कीजिए। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया, फिर उन्होंने चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा, सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास के बाहर ना जाए, और कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। तो देखिए सल्फर को जलाया मतलब SO2 गैस बनी, SO3 गैस बनी, और उसमें पानी मिलाया मतलब कि वो एक अम्ल बन गया H2SO4। और क्या होता है यदि इस गिलास में नीले लिटमस और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं? तो यहाँ पर नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाएगा, क्योंकि उसमें अम्ल बना है और अम्ल का फॉर्मूला होता है AbR, अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे विज्ञान विशेष संबंधित 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप चैनल पर इतने समय तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही।